तो आप अभी देख रहे थे आमिर खान का असर। आमिर खान पहुंचे हैं राजस्थान और वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपने शो के बारे में कह रहे थे और यह भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे उनके शो के जरिए वो लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा मसला जो कि हमारे समाज की कुरीतियों में शायद नंबर वन में से कहा जा सकता है, भ्रूण कन्या हत्या वाकई में एक बहुत बड़ा मसला जिसको उन्होंने उकेरने की कोशिश की है। एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने पेश करना चाहूंगा। आंकड़ा यह है कि पिछले 30 साल में 1,20,00,000 कन्या भ्रूण की हत्या की जा चुकी है। इस आंकड़े के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में ये कुरीति कितने बड़े पैमाने पर और कहां कहां कानून बनता है, कानून लाने का फायदा क्या अगर उसका पालन ही ना हो। देखिए, मैं इसमें दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर कर दूं जो हमारी डॉक्टर कम्युनिटी की तरफ से मैसेज है जी, कि ये एक जनन्य अपराध है, दिस इज इल्लीगल, दिस इज एंटी सोशल, और ये डॉक्टर नहीं है, ये अपराधी बन जाते हैं। जैसे ही इन्होंने कोई भी अगर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन किया और पेशेंट को बताया कि हमारी कम्युनिटी को बिलोंग ही नहीं करते, दे आर क्रिमिनल्स। मैं आपको ये भी बता दूं, पीएनडीटी एक्ट के तहत ये एक संगीन अपराध है, दिस इज नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो लेकिन ये बताइए ना डॉक्टर साहब कि अगर कोई भी अपराध रजिस्टर ही नहीं हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट ही नहीं कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सिर्फ कानून बनाने का फायदा क्या? देखिए, इसमें मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं। बहुत सारे डॉक्टर्स के अल्ट्रासाउंड क्लिनिक सील हो चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के ऊपर कन्विक्शन भी चल रही है। ये एक नया कानून है जिसको कि इसमें मेन प्रॉब्लम यह है कि जो कंप्लेनेंट है और जो एक्यूज्ड है वो दोनों ही इनकी आपस में मिलीभगत है, तो कंप्लेंट्स आती नहीं है। जैसे कि डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल जी ने भी बताया कि इसके अंदर कोई कंप्लेंट ही नहीं आ रही है, तो ये मिलीभगत। लेकिन इसके अंदर मैं आपको ये चीज बता दूं, डेफिनेटली इस कानून के आने के बाद में इंप्रूवमेंट हुई है। हमारी सेंसेस भी कहती है, अगर हम स्त्री पुरुष की रेशियो लेते हैं, अबाउट 10 ईयर्स बैक इट वॉज 933, नाउ इट हैज कम टू 940, यानी पहले से डेफिनेटली इस चीज के ऊपर रोक लगी है। पहले शायद खुले में होता था, अब बिल्कुल नहीं होता। और मैं यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये लोग डॉक्टर नहीं है, दे आर ऑल क्रिमिनल्स, ये अपराधी हैं, और इनको हम किसी भी हिसाब से, हमारी कोई भी एसोसिएशन प्रोटेक्ट नहीं करेगी। आप अपराधी कहते हो, मैं तो इन्हें कसाई कहता हूं। पूजा बेदी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो लोग गर्भपात करवा रहे हैं, खास करके कन्या भ्रूण हत्या में सक्रिय रूप से शामिल हैं, वो लोग इस मामले को रिपोर्ट नहीं करते हैं, ये कौन सी मानसिकता है? आप भी एक महिला हैं। हेलो प्रेस साहब, आप कुछ कह रहे हैं? मैं इसमें बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा अपराध है जिसमें कि विजिलेंस टीम्स बननी चाहिए, डिक्वाय कस्टमर्स जाने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मिलीभगत है। और एक भी अगर डॉक्टर पकड़ा जाता है तो उसको बिल्कुल ब्लैक शीप करके और विद इन अ वीक उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, उसके ऊपर कन्विक्शन होनी चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। जब इस तरह के, आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताऊं कि लगभग वी आर लूजिंग 1 मिलियन फीमेल बेबीज एवरी ईयर, मतलब लगभग 10 लाख बेबीज हम लूज कर रहे हैं, उस हिसाब से एक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ही है कहीं ना कहीं पर हम लोगों को विजिलेंस टीम बनानी है। विजिलेंस टीम एक बड़ा अच्छा सुझाव।